आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का अपना नेक्स्ट लेक्चर। हम लोगों ने हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में अपने अभी तक तीन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को पढ़ चुका है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले पाइरोल से स्टडी किया, फिर फ्यूरेन और फिर लास्ट में थायोफीन। और फिर हमने उन तीनों की ही लास्ट लेक्चर में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में जाना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम अपनी केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री ऑफ पिरिडीन। तो हम लोग पिरिडीन वाले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पिरिडीन की केमिस्ट्री थोड़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री बन जाती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ हटकर बाकी तीनों हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड से देखा जाता है। अब सबसे पहले हम पिरिडीन की बात करते हैं, तो पिरिडीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले पिरिडीन का अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, तो पिरिडीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाला है आप सभी को। यह होता है आपके पास पिरिडीन का स्ट्रक्चर। जैसे आप बेंजीन जानते हो, उसी ही तरीके से बेंजीन से एक CH जो है वो रिप्लेस हो जाता है बाय नाइट्रोजन हेट्रो एटम। अगर मैं थोड़ा और अच्छे से बताऊं डबल बॉन्ड को दर्शाकर, तो आप कुछ इस तरीके से कह सकते हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पर थोड़ा सा नंबरिंग का खेल आपको समझना है कि आखिरकार इसमें नंबरिंग क्या रही होगी, तो उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। नाइट्रोजन जो हेट्रो एटम है उससे हम 1 स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ से एडजेसेंट 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा। इस तरीके से हमें यहाँ पर पिरिडीन के अंदर नंबरिंग देनी है। नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हेट्रो एटम और फिर उसके इस तरीके से पूरा लूप कंप्लीट करते हुए हम अपनी नंबरिंग को दे देंगे। बात समझ में आ रही होगी? तो ये सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर है ना, ये हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। तो यहीं पर मैं थोड़ा सा अगर आपको समझाऊं कि कहानी क्या चल रही है, कि आखिरकार पिरिडीन का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपके पास बेंजीन है। इस तरीके से बेंजीन तो आप सब लोगों ने देखा ही है ना, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग ही करते हैं तो बेंजीन से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपके पास CH है वो हट जाएगा और यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन हेट्रो एटम का एडिशन हो जाता है। CH की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर आपके पास C है, यहाँ पर आपके पास H है, इतना सा पार्ट हटाकर यहाँ पर नाइट्रोजन लगा देंगे। जरा ध्यान से देखना मैं कैसे लगाने जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या लगा देंगे, यहाँ पर इस तरीके से नाइट्रोजन लगा देंगे, बस ये पिरिडीन बन गया। अब यहाँ पर एक बात जो ध्यान देने वाली है, वो बात ध्यान देने वाली ये है, ये एक तरीका के क्या है, रिप्लेसमेंट है। ये हमने क्या किया है, रिप्लेसमेंट किया है एक ग्रुप ऑफ एटम को एटम से। ये कोई भी आपके पास केमिकल रिएक्शन नहीं है, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ एटम है, एटम से यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। कभी कभी हम थोड़ा सा कंफ्यूज आते हैं कि ये कुछ केमिकल रिएक्शन करके बन रहा है बेंजीन से, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एक रिप्लेसमेंट है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा रखा था। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और थोड़ा सा पिरिडीन के डेरिवेटिव्स के बारे में जानते हैं। तो हम लोग थोड़ी सी बात ही कर लेते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ पिरिडीन। देखो ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर स्ट्रक्चर से याद होंगे तो आगे चल के काम में आएगा। डेरिवेटिव्स ऑफ पिरिडीन, डेरिवेटिव्स ऑफ पिरिडीन में हमारे पास यहां पर सबसे पहले हम इस तरीके से पिरिडीन बना लेते हैं, ठीक है, इस जगह पिरिडीन बना लेते हैं। और पिरिडीन बनाने के बाद आपको यहां पर यह ध्यान देना है, हम यहां पर तीनों ही केस में क्या करेंगे, CH हटाएंगे, नाइट्रोजन एटम लगाएंगे, तीनों ही केसेस में CH हटाएंगे, नाइट्रोजन एटम लगाएंगे, और यहां पर भी CH हटाएंगे और नाइट्रोजन एटम लगाएंगे।
देखो जरा ध्यान समझो, ये जो आपके पास स्टार्टिंग में है यहाँ पर, ये आपके पास क्या है, पिरिडीन है, आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। और इस पिरिडीन में जो हमें सी एच हटाना है एक एक करके, नंबरिंग भी दे लेते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो एक बार तो हम क्या करेंगे, एक बार तो हम सेकंड पोजीशन से सी एच हटा लेंगे, फिर एक बार हम थर्ड पोजीशन से सी एच हटा लेंगे, और फिर एक बार हम फोर्थ पोजीशन से सी एच हटा लेंगे। जैसे ही ये हटाएंगे, फिर यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजन एटम उसकी जगह लगाएंगे तो वो कैसे दिखने वाला है, फिर उसका नाम क्या बनने वाला है, यही हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो इस वाले पार्ट में हमने क्या किया, इस वाले पार्ट में हमने सेकंड पोजीशन से सी एच हटाकर नाइट्रोजन लगा दिया, ठीक है। फिर आगे ऐसे ही देखते हैं, इसके साथ कोई भी छेड़छानी नहीं है। इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने थर्ड पोजीशन से सी एच हटा के नाइट्रोजन लगा दिया, बात समझ में आ रही है। और फिर लास्ट वाले केस में क्या करोगे आप, फोर्थ वाले पोजीशन से सी एच हटाकर नाइट्रोजन लगा देना है। तो ये आपके पास डेरिवेटिव्स ऑफ पिरिडीन आ जाएंगे, क्योंकि पिरिडीन से आप कुछ रिप्लेसमेंट करके कुछ कर रहे हो, तो ये डेरिवेटिव्स ऑफ पिरिडीन आ जाएंगे, जिसमें इनके थोड़े से नाम इंटरेस्टिंग है। इसका नाम होता है पाइरिडाजीन, इसका नाम होता है पिरिमिडीन। जब आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे तो वहां पर आपको ये देखने को मिलने वाला है पिरिमिडीन, और इसका नाम होता है पाइराजीन। तो ये तीन डेरिवेटिव्स ऑफ पिरिडीन हैं, जो कि आपको बस याद करवाने हैं। हम एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं अभी पिरिडीन के, जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है। ये बात समझ में आ चुकी है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा मुद्दे की बात करते हैं कि आखिरकार पिरिडीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है। तो बात कर लेते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ पिरिडीन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ पिरिडीन की बात करते हैं। देखो रेजोनेटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स पिरिडीन की अगर हम बात करते हैं, तो इस वाले केस में बनाना शुरू करते हैं एक एक करके। हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो बनाना आते ही हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे, ये आपके पास पिरिडीन है, क्लियर एकदम अच्छे से। अब हमें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है। सबसे पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ तो आप ऐसे ही कर सकते हो, इसके अंदर जो पाई बॉन्ड है वो रिंग के अंदर ही घुमा दो। सबसे पहले क्या कर सकते हो, जो पाई बॉन्ड है इसके रिंग के अंदर ही घुमा लो। जब आप पाई बॉन्ड रिंग के अंदर घुमा लोगे तो ये कुछ ऐसा जाएगा। तो ये सबसे पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन है, ठीक है, क्लियर एकदम अच्छे से। अब क्या होगा, अब इस वाले केस में फिर से इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये वाले डबल बॉन्ड को इस तरह से मूव करवाओ। जब आप ये वाले डबल बॉन्ड को इस तरीके से मूव करवाओगे तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पर आपके पास एन आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे। तो ये आपके पास थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। फिर इसके आगे क्या होने वाला है, इसके आगे मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। इसके आगे देखो डबल बॉन्ड ऑफ पॉजिटिव, तो डबल बॉन्ड इस तरीके से मूव करता है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो जब डबल बॉन्ड मूव करेगा तो यहाँ पर तो एन था ही, यहाँ पर ऐसे था, यहाँ पर ऐसे था, अब यहाँ पर क्या जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पर क्या जाएगा डबल बॉन्ड, क्लियर एकदम अच्छे से। बहुत ही बेसिक केमिस्ट्री में हमने बात कर रखी है सारी की सारी। और यहाँ पर एन पे तो नेगेटिव था ही, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर ये वाला डबल बॉन्ड इस तरीके से मूव करेगा, बिल्कुल करेगा। जब ये वाला डबल बॉन्ड इस तरीके से मूव करेगा तो फिर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा, ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर पॉजिटिव। बोलो
क्लियर एकदम अच्छे से। अरे इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। अब अगर आप फिर से इसका बॉन्ड बना दोगे तो यही बन के तैयार हो जाएगा, और वो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होता। तो ये सभी क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और जो दुनिया में सच में होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं, ये नहीं पाए जाते हैं। जो सच में दुनिया में प्रेजेंट है उसको आप कुछ इस तरीके से बना दो, एन पर नेगेटिव आ जाएगा और यहां पर क्या जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज। बोलिए क्या आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना समझ में आया? बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन वाली बातें चल रही हैं अभी हमारी। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन सीखा, उस स्ट्रक्चर में हमने नंबरिंग सीखी। नंबरिंग सीखने के बाद फिर हम आगे बढ़े, डेरिवेटिव्स ऑफ पिरिडीन सीखे, याद कर लो थोड़ा सा, और फिर ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां से बहुत सारी बातें निकलेंगी। इसको देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, सोचो एक बार। ये जो स्ट्रक्चर है हाइब्रिड, इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं, ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है आपके सामने, इसको देखकर क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि इसकी जो रिंग है वो रिंग कैसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसका मतलब सर, अरे इसका मतलब ये है कि इस पर इलेक्ट्रोफाइल इतना इच्छुक नहीं होगा अटैक करने के लिए। इलेक्ट्रोफाइल अटैक कब करता है? जब रिंग बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल खुद एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। और यहां पर तो हमें साफ साफ दिख रहा है इस पे रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल इंटरेस्टेड ही नहीं होगा। तो बात को समझिए जरा ध्यान से, नोट में वही वाली बात फिर से दोहरा देता हूं कि अगर हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रिएक्टिविटी, ये आपको सबसे पहले बातें मैंने करवा रखी हैं टूवर्ड्स ESR। तो ये क्या होता है, बेंजीन इससे ज्यादा रिएक्टिव होता है, बेंजीन इज मच रिएक्टिव देन पिरिडीन। मैंने आपको पहले बता रखा है, लेकिन फिर अब मैं समझा रहा हूं कि आखिरकार कैसे मैं बता रहा था। ऊपर से नाइट्रोजन एटम है, अरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो कि रिंग को डेफिशिएंट कर दे रहा है, और उसी वजह से तो पॉजिटिव आ जा रहा है। तो यहां पर यह बात आपको एकदम अच्छे से समझनी पड़ेगी जो मैं बताना चाहता था। तो इसका मतलब यहां से एक बात निकल के आ रही है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ पिरिडीन का देखकर हम बोल सकते हैं कि जो पिरिडीन है वह ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब अगर आप कंपेयर करोगे पिछले तीन हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड से, तो तीनों में भर भर के मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही पढ़ाया है और कुछ नहीं पढ़ाया। लेकिन जब पिरिडीन की बात आ रही है तो पिरिडीन के केस में हमारे पास ऐसा देखने को मिल रहा है कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ही नहीं, इसीलिए ये वाला कंपाउंड उन बाकी तीन कंपाउंड से डिफरेंट है। बात समझ में आ रही है? ये वाला कंपाउंड उन तीन कंपाउंड से डिफरेंस इसी वजह से है क्योंकि वहां पर जो सिग्नेचर रिएक्शन होती थी वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होती थी, और यहां पर तो भैया ये खराब ही रिएक्शन दिखाते हैं। बात एकदम क्लियर अच्छे से? चलो ठीक है, फिर अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ भी लेते हैं। तो इसका मतलब सर पक्का कुछ ना कुछ पिरिडीन कुछ और दिखाता होगा। अगर आप कोई काम नहीं करते, इसका मतलब कोई एक काम नहीं करते, इसका मतलब कोई दूसरा काम कर रहे हो पक्का। अरे मतलब पढ़ने वाला अगर आप काम नहीं कर रहे तो पक्का कुछ ना कुछ दूसरा काम चल रहा होगा। ऐसे ही कोई भी कंपाउंड अगर एक काम में इंटरेस्टेड नहीं है तो पक्का कोई ना कोई दूसरी रिएक्शन दिखा रहा होगा। ये तो आप मानते हो यार, लॉजिकल एकदम टू द पॉइंट बातें हैं। तो अगर ये सारी बातें हैं इस तरीके से, तो मुझे बताओ नेक्स्ट बढ़ते हैं क्या, बताओगे आप लोग?
ठीक है, बढ़ चुके हैं अपन नेक्स्ट। तो हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑफ पिरिडीन, पिरिडीन की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। और जब मैं आपसे पिरिडीन की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं, तो हम यहां पर तीन केसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस ये होगा कि आखिरकार पिरिडीन खराब ESR, अरे ESR का फुल फॉर्म तो पता है ना, या अपना कोई नया फुल फॉर्म बना के बैठे हो पहले से ही, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पिरिडीन खराब ESR क्यों दिखाता है। तो सबसे पहले तो हम इस रीजन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले पार्ट में। उसके बाद हमारे पास दूसरा पार्ट होगा। जब भैया आपने पढ़ा होगा कोई रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में ना हो तो एबनॉर्मल कंडीशन में करते हैं, तो हम ESR की ही बात करेंगे, लेकिन कहां पर? एबनॉर्मल कंडीशंस पर। और एबनॉर्मल कंडीशंस बोले तो तड़पाने वाली कंडीशंस, अरे बहुत ही हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, तड़पाने वाली कंडीशन बोले तो थोड़ा सा मेंशन में यहां पर कर देता हूं पहले से ही। इसका मतलब है वहां पर हम लोग क्या लेंगे, या तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर का यूज कर रहे होंगे, या फिर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर का यूज कर रहे होंगे, इन सब का यूज कर रहे होंगे। क्लियर एकदम अच्छे से। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक और रिएक्शन हम पढ़ लेंगे यहां पर, एक्टिवेटेड पिरिडीन। क्या होता है एक्टिवेटेड पिरिडीन और कैसे रिएक्शन दिखाता है, ये सारी बातें एक एक करके हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आखिरकार खराब ESR रिएक्शन क्यों दिखाता है, बात करते हैं। पिरिडीन अब समझ जाना ये कोई रिएक्शन नहीं है, खराब ESR और यहां पर क्वेश्चन मार्क। समझते हैं, देखो आपके पास सबसे पहले यहां पर पिरिडीन बना लो प्यारा सा। ठीक है भैया, यहां पर हमने प्यारा सा पिरिडीन बना लिया, बन गया। अब जैसे ही प्यारा सा पिरिडीन बना, अब आप यहां पर क्या करोगे, अब आप यहां पर सामने इलेक्ट्रोफाइल ले आओ, यहां पर भी इलेक्ट्रोफाइल ले आओ, यहां पर भी इलेक्ट्रोफाइल ले आओ, और यहां पर भी इलेक्ट्रोफाइल ले आओ, तीन बार इलेक्ट्रोफाइल ले आओ। रीजन मैं बताता हूं अभी क्यों। सबसे पहले नंबरिंग करो, ये वाली वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, और ये सिक्स है। इतना समझ में आया। एक बार हम क्या करेंगे, सेकंड पर अटैक करवाएंगे, एक बार हम क्या करेंगे, थर्ड पर अटैक करवाएंगे, एक बार हम क्या करेंगे, फोर्थ पर अटैक करवाएंगे। बाकी सेकंड सिक्स्थ के साथ इक्विवेलेंट है और थर्ड फिफ्थ के साथ इक्विवेलेंट है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सेकंड अटैक करवाएंगे इलेक्ट्रोफाइल का सेकंड पोजिशन पर, फिर हम चेक करेंगे थर्ड पोजिशन पर अटैक करवा के इलेक्ट्रोफाइल का, और फिर हम चेक करेंगे फोर्थ पोजिशन पर अटैक करवा कर, है ना। ये पोजीशन मेंशन कर रहा हूं मैं, सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑल ऑफ दीस आर पोजीशंस, ठीक है, कोई नंबरिंग नहीं है। तो सबसे पहले जब सेकंड पर करवाओगे, तो सेकंड मैं यहां पर समझा दूं करवाने के लिए, यहां पर समझा देता हूं एक बार फिर से। मैं प्रीडीम बनाता हूं, वैसे मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार लोग हैं,
बहुत जल्दी परेशान नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं करवा रहा। इसको आप ऐसे कर रहे हो और सामने आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। और ये जो नेगेटिव आएगा, जब आप ऐसे करोगे तभी तो नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव इस पर जाकर अटैक कर देगा। बात समझ मारिए क्या? या ज़्यादा लाल लाल हो गया? ज़्यादा ही लाल हो गया, देखते हैं, चलो करते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर तो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल होगा ही, बिल्कुल होगा। मैं इसको इस तरीके से रेड पेन से दिखा रहा हूँ, ये जब ऐसे मूव करोगे तब नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर देगा, तभी तो सेकंड पोजीशन ये कहलाएगी अटैक करने वाली। जैसे ही ये कहला रही है तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर आपके पास एन, यहाँ पर लाइन मुझसे कभी टेढ़ी नहीं घिसती जिंदगी में, लेकिन पता नहीं कभी कभी ऐसा होता है, दिन खराब चल रहे होते हैं तो हो जाता है। ये यहां पर ऐसे हो जाएगा, एन पर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, और यहां पर क्या जाएगा ई, और यहां पर क्या जाएगा एच, ठीक है। तो ये हमने सेकंड पोजीशन पर अटैक करवा दिया, ऐसे ही थर्ड पोजीशन पर अटैक करवाना है। एक बार सीख जाओ करना क्या होता है, फिर तो वही करना होता है जो हो रहा होता है। अब देखो थर्ड पोजीशन ये वाली है, इसका मतलब अगर मुझे इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करवाना है तो इस डबल बॉन्ड को पहले मुझे यहां पर जलाना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव फिर फर्दर यहां पर अटैक करेगा। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगा रहे सिंपली, और कुछ नहीं कर रहा मैं यहां पर यार। अगर ये बात आपको समझ में आ चुकी है, ऐसे ऐसे इनको पहले ऐसे रहने दो, यहां पर पॉजिटिव आ चुका है, यहां पर आपके पास आ जाएगा ई, और यहां पर आपके पास आ जाएगा एच। फिर से हम इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अरे बनाने में क्या जा रहा है, लो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। जब आपने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, उसमें एक और खास बात देखने को मिल जाएगी आपको। पहले तो ऐसे ही रखो ई एच, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर पॉजिटिव, आ रही बात समझ में। लास्ट वाला फोर्थ अटैक करवा के देखते हैं भाई मेरे, जब फोर्थ अटैक करवा के देखोगे तो बताओ क्या होने वाला है, बताओ। यहाँ पर एन है, यहाँ पर पेशेंस रखो, जब भी आप ये सब चीज़ें सीखते हो कोई जल्दबाजी में थोड़ा ना होता है कि हाँ सर आए लिख दिया और समझ में आ गया, टाइम लो थोड़ा सा कि मैं ऐसा ही क्यों कर रहा हूँ। और ख़ासकर आप एरो पर ध्यान दो यार, मेरा एरो कहाँ किस तरीके से जा रहा है जब मैं रेड पेन यूज़ कर रहा हूँ। आप भी डिफरेंट कलर के पेन यूज़ किया करो। अब देखो, अब मैं ये यहाँ लेके आ रहा हूँ, रीजन क्या है, पहले मैं ये यहाँ लेके क्यों गया था, क्योंकि नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ही तो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर रहा है, ऐसे ही नेगेटिव फोर्थ वाले पर आना चाहिए क्योंकि फोर्थ पोजीशन पर अटैक करवा रहे हैं। अब ये वाला अटैक फिर यहाँ करेगा, फोर्थ वाला अटैक ऐसे करके, ठीक है, बात समझ में आ चुकी होगी। अगर बात समझ में आ चुकी है तो बताओ क्या होने वाला है, यहाँ पर एन, यहाँ पर ऐसे ऐसे, यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर एच, यहाँ पर ई, यहाँ पर डबल बॉन्ड। फिर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। बताओ कैसे होने वाला है, बताओ बताओ बताओ। ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, अरे जाएगा ना, उसके बाद बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा सा मंजर दिखाई देगा। यहाँ पर एन पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पर एच और यहाँ पर ई। बोलो क्या आपको ये तीनों अटैक पहले समझ में आए मैंने कैसे करवाए? अरे आ चुके होंगे ये तीनों अटैक, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुके होंगे। अब देखना ध्यान से, हम लोग रीजन क्या ढूंढ रहे हैं कि सर आखिरकार पिरिडीन खराब ईएसआर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों दिखाता है? बिल्कुल सही बात है। और सर आप क्या कर रहे हो, आप एक एक करके तीनों इलेक्ट्रोफाइल को डिफरेंट पोजिशन पर अटैक करवा रहे हो? मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है। तो सर ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा इसलिए कर रहा हूं आपको ये दिखाने के लिए, यदि आप तीनों ही रिएक्शन इंटरमीडिएट पे थोड़ा सा गौर फरमाइए, इस पर एंड इस पर, इन तीनों ही रिएक्शन इंटरमीडिएट पर अगर आप गौर फरमाओगे तो तीनों ही रिएक्शन इंटरमीडिएट, ऑल थ्री रिएक्शन इंटरमीडिएट आर अनस्टेबल, तीनों ही थ्री रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं है,
इसका मतलब यदि कोई रिएक्शन जा रही है रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू और उससे बनने वाला रिएक्शन इंटरमीडिएट कम स्टेबल है तो वहां जो प्रोडक्ट बनेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग वो भी कम बनेगा और स्लो बनेगा। ऐसे जस्ट उल्टा बोल दिया हमने अपने थंब रूल के। क्यों सर स्टेबल क्यों नहीं है? देखो भाई नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, अरे नाइट्रोजन पर पॉजिटिव रखकर बोलते हो सर स्टेबल क्यों नहीं है? आप पर कोई इमेजिन करो बहुत भारी भरकम वजन रख दे सिर पर और आपसे पूछा जाए कैसा लग रहा है, तो वही कंडीशन इनकी हो रही है। ऐसे ही नाइट्रोजन के बगल में पॉजिटिव है, अरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बगल में पॉजिटिव है। ऐसे ही अगर आप इसको देखोगे नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है तो सिंपल सी बात है ऑल ऑफ दी थ्री रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो कि फॉर्म हो रहे हैं प्रीडीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाने के दौरान वो सभी अनस्टेबल हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रिएक्शन स्लो जाएगा और इससे बनने वाला प्रोडक्ट भी कम बन रहा होगा। मतलब एक तरीके से रिएक्शन नहीं हो रही होगी, इंटरेस्टेड नहीं दिखा रहे होंगे। हम ऐसे ही तो बोलेंगे यदि आप कोई काम बहुत धीमे धीमे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई काम दिया गया है, अगर काम आपने बहुत अच्छे से बढ़िया से कर दिया है और जल्दी कर दिया है तो यही माना जाएगा कि आप इंटरेस्टेड थे। और यदि आपने काम बहुत स्लो किया है, बहुत आराम आराम से किया और काम खत्म भी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब आप काम में इंटरेस्टेड नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल एक तरफ आपको पनीर की सब्जी रख दिया है, एक तरफ आलू की सब्जी रख दिया है, पनीर की सब्जी पता नहीं चली कब खत्म हो गया खाना एकदम फिनिश, और आलू की सब्जी अभी भी रखी हुई है। अपने साथ तो यही होता है, आपके साथ पता नहीं कौन सी फेवरेट सब्जी हो, अपने साथ तो यही होता है। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? अरे बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं। तो इससे यही बात हमें निकल के आ रही है जो मैं आपको बताना चाहता था, इसीलिए ये प्रोटीन खराब ईएसआर दिखाता है या फिर इंटरेस्टेड है ही नहीं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, वही पिरिडीन की रिएक्शन पिरिडीन ईएसआर कहां पर एबनॉर्मल कंडीशन पर, पिरिडीन की ईएसआर एबनॉर्मल कंडीशन पर। जब हम पिरिडीन की रिएक्शंस एबनॉर्मल कंडीशंस पर सीखते हैं तो देखो जरा ध्यान से क्या होगा। सबसे पहले ये हमारे पास यहां पर क्या है, पिरिडीन है, ठीक है, आपको दूर से ही चमक जाएगा। और यहां पर हम क्या ले लेते हैं, यहां पर हम ले लेते हैं Br2, है ना, Br2 वगैरह ले लेते हैं, हेलोजनेशन करवाएंगे, और यहां पर हम ले लेते हैं 600 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये जो टेम्परेचर है ना दूर से ही चमक रहा होगा, कहां से, दूर से ही चमक रहा होगा इतना टेम्परेचर। तो यार मतलब इमेजिन करो अपने आप को इस टेम्परेचर पर, अरे रहोगे नहीं, है ना। उसके बाद अगला क्या है हमारे पास, फ्यूमिंग H2SO4 टाइप का हम ले लेंगे यहां पर, या कंसंट्रेटेड H2SO4 की जगह आप फ्यूमिंग H2SO4 टाइप यहां पर ले लोगे, और यहां पर भी आपके पास क्या है 600 डिग्री सेल्सियस है। तो यहां पर आपको एबनॉर्मल कंडीशन पर जो रिएक्शन देखने को मिलने वाली है, इस थर्ड पोजीशन पर आपके पास Br आ जाएगा, ऐसे ही इस थर्ड पोजीशन पर आपके पास SO3H आ जाएगा। मतलब सवाल ये आ गया समझ में कि यदि एबनॉर्मल कंडीशन पर ESR रिएक्शन होगी ही तो वह जो आपके पास आके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, वह आकर थर्ड पोजीशन पर जुड़ेगा। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब पिरिडीन की बात आती है सबसे पहली बात वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता ही नहीं है, और अगर दिखाता है तो फिर वह थर्ड पोजीशन पर एबनॉर्मल कंडीशंस में दिखा रहा होता है। इस बात को आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ चुकी है? अब यहां पर नोट में एक बात आपको समझनी पड़ेगी जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है। आप बोलोगे सर जैसे आपने हेलोजनेशन सल्फोनेशन करवाया वैसे आप नाइट्रेशन भी करवा सकते हो, तो पहले तो हम NOTE नोट लिख देते हैं, ठीक है, और नोट में हम बात करते हैं नाइट्रेशन की। सबसे पहले
ठीक है, अब देखना है, इसके केस में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट देखने को मिलने वाला है। ये आपके पास यहां पर क्या है, पिरिडीन है, अरे है, और यहां पर आपके पास क्या है, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, और यहां पर आप हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर को मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पर आपके अकॉर्डिंग होगा कि सर जैसे आपने अभी पिछली दो रिएक्शन करवाई हैं वैसे ही आप ये वाली रिएक्शन भी करवा दो, और यहां पर इस थर्ड पोजीशन पर क्या जाएगा, NO2 आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बोलूंगा यहां पर ऐसा नहीं होता, इस बात को थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो सर फिर कैसा होता है, तो फिर ऐसा होता है कि यहां पर जो पिरिडीन है, जब पिरिडीन के सामने आपके पास, इसको मैं नाइट्रेटिंग एजेंट कह सकता हूं, तो लिख देता हूं नाइट्रेटिंग एजेंट आता है, पिरिडीन के पास जब आपके सामने नाइट्रेटिंग एजेंट आता है तो वहां पर नाइट्रिशन करने की वजह है सिंपली इस तरीके का कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म कर देता है, और इस कॉम्प्लेक्स आयन को हम लोग नाम देते हैं पिरिडीनियम आयन। क्या नाम देते हैं, पिरिडीनियम आयन। और सिंपल इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है इन दोनों ही के बीच में एसिड बेस रिएक्शन का होना, और मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है कि एसिड बेस रिएक्शन इतनी फास्ट रिएक्शन होती है कि इस पे हमारा कोई जोर ही नहीं होता। तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी नाइट्रेशन की बात करोगे इन केस ऑफ पिरिडीन, चाहे वो हाई टेम्परेचर प्रेशर वगैरह कुछ भी रहा होगा, तो आपको इस तरीके का देखने को मिलना चाहते हो आप, लेकिन इस तरीके का आपको कुछ फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। जिस तरीके से हमने बात नाइट्रेशन में की, उसी तरीके से हमारे पास बात होती है फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन में, फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन में क्या बात होती है, देखना ध्यान से। आप कुछ ऐसा सोच रहे होंगे, यहां पर आपके पास पिरिडीन है सबसे पहले, और यहां पर हम ले लेते हैं CH3 C double bond O Cl, और यहां पर AsL3, और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मेंशन है, इतना हम आप समझदार हो चुके हैं। जब ऐसा ले लोगे तो आप सोच रहे होंगे कि यहां पर इस तरीके से C double bond O CS3 थर्ड पोजीशन पर आ जाए, लेकिन फिर से मैं आपको यह बोलूंगा इस तरह की रिएक्शन देखने को नहीं मिलती। अगर इस तरह की रिएक्शन देखने को नहीं मिलती तो फिर क्या देखने को मिलने वाला है, वही मैं बताने जा रहा हूं कि यहां पर आपके पास पिरिडीन है ऐसे, अरे बोलो क्लियर एकदम अच्छे से, जब पिरिडीन ऐसे है तो यहां पर फिर से आप कुछ इस तरीके से ले ले रहे हो, बिल्कुल वही ले ले रहे हो एसाइलेटिंग एजेंट और AlCl3। अब कहानी कुछ ऐसी सी है, देखो जरा ध्यान समझना मैं जो बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन पर लोन पेयर है तो ये एज अ बेस काम कर सकता है, ठीक है, पहली बात। और यहाँ पर AlCl3 के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, और जब वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये एज अ एसिड काम कर सकता है, हमें पता है लुईस एसिड होता है। तो यहाँ पर एसिड बेस के बीच में फर्दर फिर एक रिएक्शन होगी और जो कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा होगा, और हमें पता है कि एसिड बेस रिएक्शन बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है। मतलब ये जो कार्यक्रम हुआ है, ये वाला भी कार्यक्रम किसकी वजह से हुआ है, AB रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। बोलिए क्या आपको इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं एकदम अच्छे से, एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने पिरिडीन को स्टार्ट किया, हमने पिरिडीन के इंट्रोडक्शन को जाना, इंट्रोडक्शन को जानने के बाद
हम लोगों ने इसके डेरिवेटिव्स को जाना, फिर हमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को जाना, और पिरिडिन के स्ट्रक्चर में हमें साफ साफ समझ में आ चुका है किस तरीके से उसका एक लोन पेयर क्या होता है, लोकलाइज्ड होता है क्योंकि वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन मौजूद होता है। मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि आपके पास ये पिरिडिन है इस तरीके से, तो यहाँ पर जो ये लोन पेयर है ये कैसा लोन पेयर है, लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड बोले तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, वह लोन पेयर जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता उसी को हम कहते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर। आ रही बात समझ में एकदम अच्छे से आ चुकी होगी। इसके स्ट्रक्चर को अगर मैं समझाना चाहूँ तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे भी समझा सकता हूँ, एन ऐसे, यहाँ पर सारे के सारे पी ऑर्बिटल बना लो ऐसे, ठीक है। और यहाँ तो मेरे पास बहुत सारे कलर हैं, एक तो पाई बॉन्ड यहाँ बना लो, एक पाई बॉन्ड, कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ बना लो, और एक जो नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल होगा, है ना, बनाना तो पहले नाइट्रोजन का एक पी ऑर्बिटल और होगा तो इसके साथ बॉन्ड आ जाएगा। तो ये जो आपको इस तरीके का दिख रहा है ये आपके पास क्या है, पाई बॉन्ड है, और यहां पर एक लोन पेयर दिख रहा है, ये लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड है, बोले तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। यही बात मैं आपको समझा रहा हूं। एक लास्ट बात और पढ़ते हैं अपन, वो लास्ट बात क्या है कि आखिरकार एक्टिवेटेड प्रीडीन किस तरीके से रिएक्शन दिखाता है और एक्टिवेटेड प्रीडीन होता क्या है। एक्टिवेटेड प्रीडीन, देखो एक्टिवेटेड प्रीडीन आप ऐसे ही समझ सकते हो कि वह ग्रुप या वह एटम, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, एक्टिवेटेड प्रीडीन बोले तो आप यहां पर कोई एक ऐसा ग्रुप अटैच कर दो, ग्रुप अटैच्ड जो कि कैसा हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, ईआरजी बोलो तो, ईआरजी बोले तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, है ना, ईआरजी बोले तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। आ रही बात समझ में तुम अच्छे से, तो मैं एग्जांपल ऐसे समझा सकता हूं कि आपके पास ये आपने ले लिया है, ठीक है, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। अब देखो अभी जस्ट हमने पिछले केस जब पढ़ा था तो ये वाला जो रिएजेंट था, ये वाला, ये आपके पास एसिड बेस रिएक्शन दिखाता था, लेकिन इस बार ये जो प्रीडीन है ये वाले ग्रुप लगने से थोड़ा सा क्या हो गया है, एक्टिवेट हो गया है। एक्टिवेट बोले तो यहां पर थोड़ा सा ये वाला रेट बढ़ चुका है, तो अब यहां पर हम क्या कर देंगे, NO2 ग्रुप आएगा, अब हम यहां पर N, यहां पर ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पर OME है ही, और आपको पता होना चाहिए ये जो ग्रुप होता है ये कैसा ग्रुप होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो यहां पर इस पोजीशन पर आप क्या लगा दोगे, NO2 लगा दोगे। बस दिस इज ऑल अबाउट एक्टिवेटेड प्रीडीन की कहानी। तो ये लास्ट केस था आपके पास एक्टिवेटेड प्रीडीन वाला। तो बताइए क्या प्रीडीन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, बेसिक इंट्रोडक्शन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और केमिकल प्रॉपर्टीज में ESR, लेकिन ESR इसका कोई भी सिग्नेचर रिएक्शन नहीं है। जैसे मान लो अपन एक रिएक्शन की और बात कर लेते हैं, मैं एक रिएक्शन की और बात कर लेता हूं,
ऐसा आ जाए, बताओ क्या होगा अब इस वाले केस में। यहां पर पिरिडीन है, यहां पर ओ एम ई है, और यहां पर एन एच टू है, और फिर से आपके पास वही नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, एन एम बोले तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर ये वाला। तो इस वाले केस में क्या करोगे बताओ, आंसर कहाँ आएगा? जो आपके पास NO2 ग्रुप आएगा वो कहाँ आएगा, बस इतना बता दो। आपको पता है ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो दोनों ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो गवर्न कौन करेगा उसके तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, देख लीजिएगा। तो ये आपके पास फर्स्ट लेक्चर ऑफ पिरिडीन हो जाता है। तो ये था आपके पास लेक्चर नंबर 9। अब हम लेक्चर नंबर 10 नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आखिरकार पिरिडीन किस तरह की रिएक्शंस को दिखाता ही है, उसकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं।